वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाड़ी है आज हमारे पास जाइलो D2। तो फ्रेंड्स, इसमें गाड़ी में चेक लाइट आ रही है, ये चेक लाइट आ रही है और इसमें टेम्परेचर की लाइट ब्लिंक करती है, गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, तो गाड़ी को चला के दिखाते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। करो स्टार्ट गाड़ी को। गाड़ी चलते चलते ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाती है, बड़ा जैसी गाड़ी में टेम्परेचर की लाइट आएगी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो गाड़ी को लेके आ चुके हैं ट्रायल पे, अभी गाड़ी हमारी सही चल रही है। जैसी टेम्परेचर की लाइट आएगी गाड़ी झटके लेने लगी, गाड़ी और बंद हो जाएगी। अभी गाड़ी जैसी थोड़ी गर्म होगी, ये चेक लाइट इसमें ये आ गई लाइट, टेम्परेचर की लाइट आगे चली जाती है और गाड़ी झटके लेने लगती है। ठीक है, और गाड़ी चलते चलते गाड़ी बंद हो जाएगी। अभी इसमें लाइट आई थी पर आगे चली गई है और गाड़ी भी हमारी रनिंग कंडीशन में है। ये लाइट आई, ये लाइट इसमें आती है, गाड़ी झटके लेने लगती है, गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो दिखाने वाले हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पर। अभी गाड़ी ने झटके लेना शुरू कर दिया है, जैसी लाइट खड़ी होगी तो ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाएगी और चेक लाइट गाड़ी में कंटिन्यू ऑन है। ये ताली ये आ रही है टेम्परेचर की लाइट, बिलिंग कर रही है लाइट और इस गाड़ी में टेम्परेचर मीटर भी नहीं, बिल्कुल नहीं उठ रहा है गाड़ी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाड़ी को डायग्नोस करके देखते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि गाड़ी पिकअप भी ड्रॉप कर रही है। बड़ा गाड़ी खींचो थोड़ी, ये गाड़ी खींची, गाड़ी जैसी खींचेगी थोड़ी उसके बाद में ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी बंद हो चुकी है, गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी को स्टार्ट करके वापस से चलाते हैं। करो स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हुई। ये गाड़ी बंद हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गाड़ी बंद हो चुकी है, फिर स्टार्ट करो। निकल जा निकल जा, फिर बंद हो गई गाड़ी, स्टार्ट हुई गाड़ी फिर गाड़ी बंद हो गई। स्टार्ट करो वापस से फिर, ये स्टार्ट हुई गाड़ी, ये बंद हो गई गाड़ी फ्रेंड्स। ठीक है, तो गाड़ी को सबसे पहले स्कैनर लगा के देखते हैं गाड़ी में DTC क्या बन रहा है गाड़ी में। गाड़ी चल चलते ऑटोमेटिक बंद होने लगी। गाड़ी अगर एक्सीलेटर ज़्यादा ले हो तो गाड़ी बंद नहीं होगी, स्लो एक्सीलेटर पे गाड़ी बंद होगी। एक्सीलेटर जैसे ही छोड़ोगे गाड़ी का, गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। बैठा एक्सीलेटर पे से, अभी बंद नहीं हुई है गाड़ी। अब उठाओ, बढ़ाओ सीधे सीधे, बढ़ाओ गाड़ी बढ़ाओ। ये टेम्परेचर की लाइट इसमें ब्लिंक करी, ये गाड़ी बंद हो गई फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले गाड़ी में स्कैनर लगा के देखते हैं गाड़ी में DTC क्या बन रहा है। ऑटोमेटिक, महिंद्रा इंडियन,
इसमें लाइट बार बार फ्लैश कर रही है। गाड़ी अभी हमारी ट्रायल पे है क्योंकि वापस गैरेज पे जा रहे हैं, गाड़ी को गैरेज पे लगा के देखते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो चलती गाड़ी में गाड़ी को डायग्नोस कर रहे हैं। व्हीकल सिलेक्शन पैसेंजर जाइलो D2, सिस्टम सिलेक्शन इंजन रीड फॉल्ट कोड। तो फ्रेंड्स इसमें कोड आ रहा है सिग्नल रेंज चेक फॉर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर बिलो मिनिमम लिमिट। ठीक है, कोड हमारा करंट में है P0117, कोड हमारा करंट में है। ठीक है, और टेम्परेचर लाइट इसमें गाड़ी चलते में शो कर रही है, आ रही जा रही। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं कोड को। कंप्लीट नो ट्रबल कोड। ठीक है, फिर कोड आ गया करंट में, कोड गया, नो ट्रबल कोड हुआ, उसके बाद में कोड वापस से फिर आ गया। क्लियर नो ट्रबल कोड, वापस से रीड करते हैं। अभी कोड नहीं आया है और इसमें टेम्परेचर की लाइट अभी आ रही, बिलिंग कर रही, फ्लैश कर रही है। ठीक है, वापस से रीड करते हैं, अभी कोड नहीं आया इसमें। और गाड़ी कंटिन्यू झटके ले रही है क्योंकि इसमें टेम्परेचर की लाइट बिलिंग कर रही है। तो फ्रेंड्स ये कोड वापस से फिर आ चुका है। ठीक है, कोड करंट में आ रहा है। तो गाड़ी का बोनट खोल के देखते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे, दिखाते हैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस पे आ चुके हैं गाड़ी में प्रॉब्लम, दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये रहा हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है इसके कपलर में है। ठीक है, ये कपलर अभी लगा हुआ है। तो अब गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। अभी कपलर हमारा लगा हुआ है और इसमें चेक लाइट आ रही है। ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी जैसे ही एक्सीलेटर लेंगे इसमें टेम्परेचर की जो लाइट है वो शो करने लगेगी। ये गाड़ी बंद हो गई। ठीक है, ये गाड़ी बंद हो चुकी है। वापस से बंद करके स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये एक्सीलेटर ले रहे हैं। गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप गाड़ी बंद हो जाएगी और गाड़ी का पिकअप खत्म हो जाता है। गाड़ी में ट्रैफिक में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये लाइट आई, ये लाइट बिलिंग करके चली गई। अब गाड़ी ने झटके मारना स्टार्ट कर दिया और चेक लाइट कंटिन्यू ऑन है, ये लाइट आ गई। ठीक है, अभी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ये लाइट फ्लैश करती है, चलते में फ्लैश करती है, गाड़ी झटके लेती है। एक्सीलेटर छोड़ो, गाड़ी बंद। प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ, ये गाड़ी फिर बंद हो गई। ठीक है, तो दिखाते हैं गाड़ी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा कूलेंट टेम्परेचर का सेंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इसको नीचे की साइड प्रेस करना है। ठीक है, ये नीचे की साइड प्रेस कर दिया। आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अभी चेक लाइट इसमें आ रही है। ठीक है, चाबी ऑन है, चेक लाइट आ रही है, तो चाबी को ऑफ करके ऑन करते हैं। ये चेक लाइट फ्रेंड्स जो आ रही थी आगे जा चुकी है। ठीक है, तो चेक लाइट आ रही थी आगे जा चुकी है। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब गाड़ी को ट्रायल करके देखते हैं गाड़ी में जो प्रॉब्लम अभी आ रही थी वो प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। तो गाड़ी को ट्रायल करते हैं सबसे पहले। गाड़ी को ट्रायल पे लेके आ चुके हैं, थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है, तो गाड़ी को ट्रायल करके देखते हैं जब भी प्रॉब्लम गाड़ी में मीटर पे आ रही थी वो आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि गाड़ी में जो चेक लाइट आ रही थी चेक लाइट भी जा चुकी है और टेम्परेचर की लाइट भी नहीं आ रही अभी। ठीक है, बगैर स्कैनर के चेक लाइट जा चुकी है। बढ़ाओ गाड़ी को, देखते हैं गाड़ी जो अभी हरकत कर रही थी वो हरकत करती है या नहीं करती है। तो ये रहा हमारा मीटर। नेक्स्ट स्लो में गाड़ी थोड़ी चली और उसके बाद में
टेम्परेचर की लाइट आई और गाड़ी ने झटका दिया और स्लो पे गाड़ी बंद हुई, जैसे कोई गड्ढा या ब्रेकर आया रास्ते में और गाड़ी ने जैसे ही स्लो किया उसके बाद में गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती थी। तो अभी सामने ये गड्ढे आ चुके हैं, ठीक है, ये स्लो करी गाड़ी, गाड़ी में कोई झटका नहीं है और ना ही कोई लाइट है, ना भी गाड़ी बंद हो रही है। थोड़ी और चला के देखते हैं गाड़ी को, पहले गाड़ी में चेक लाइट कंटिन्यू ऑन थी, ठीक है, और वो चेक लाइट ऑटोमेटिक अपने आप ही चली गई, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कपलर क्या होते हैं इनके गर्म हो गए हार्ड हो जाते हैं, हार्ड होने के बाद में ऊपर की साइड सरक जाते हैं, ठीक है, तो वो जब हरकत करने लगते हैं तो गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है। और कूलिंग टेम्परेचर सेंसर इसका कपलर ख़राब था, ठीक है, कपलर को भी चेंज कर दिया है, अभी गाड़ी ने कोई हरकत नहीं करी है। जायलो D2 2012-13 मॉडल, गाड़ी हमारी प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।